आई है एक बार फिर से सोनाली फोगाट की भाई वतन डाका ने ये मांग की है मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच को लेकर फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे उनके परिवार वाले। सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने एक बार फिर से सीबीआई जांच की मांग उठाई है और उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे क्योंकि संतुष्ट यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि गोवा पुलिस की जांच लगातार भले ही तेजी से आगे बढ़ रही हो, हरियाणा भी आ गई हो गोवा पुलिस, बावजूद इसके परिजनों का कहना है कि जांच सीबीआई ही होनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे सुराग है, सबूत हैं जो गोवा पुलिस ने समय रहते नहीं ढूंढे, इसलिए अब इस मामले की जांच सीबीआई को ही सौंपी जानी चाहिए। और इसी मांग को फिर से मुख्यमंत्री के आगे उठाएंगे सोनाली के परिजन, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। अब देखिए, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि जब हरियाणा सरकार तैयार है, परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो फिर देरी क्यों आ रही है? सीबीआई को जांच आखिर क्यों सौंपी नहीं जा रही, जब खुद हरियाणा सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि परिवार वाले जो चाहेंगे, जिस तरह की जांच चाहेंगे, उसी तरह की जांच होगी। तो कब तक सौंपी जाएगी सीबीआई को जांच, ये बड़ा सवाल। इस बीच परिवार वालों ने कह दिया है कि वो हार नहीं मानेंगे और एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मुलाकात करके मांग करेंगे सीबीआई जांच की। ये आए हैं घर चेक करें, इनको यहाँ से कुछ मिला नहीं है और कल जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हमें इनको दे दिए जो भी हमारे पास थे। तो देखो, ऐसे है, जब भी तो हम सीबीआई की जांच कर रहे हैं बार बार, किस वजह से उनकी हत्या हुई है और क्यों करी गई, तो वो तो वही पूछे उनसे, गोवा पुलिस अच्छे से पूछेगी तो बता पाएगी। हाँ, मिलेंगे सीएम साहब से, मिलना ही पड़ेगा दोबारा। हाँ, वो तो कह रहे हैं, लेकिन हमें तो सीबीआई की जांच अंदर से कुछ मिला नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। आप लोग सेटिस्फाई हैं अंदर जो पड़ताल की गई? बस वो अपना काम कर रहे हैं जी, क्या बताएं, हमें तो कुछ है। आपको बताया कुछ मिला अंदर से? नहीं, कुछ मिला ही नहीं उनको। अमन जी, आपने एक चोरी की कंप्लेंट दी थी, उससे संतुष्ट हैं आप या? हाँ, वो सामान मिल गया हमें और उसको जांच के लिए भेज दिया जो सामान। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अमित, गोवा पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिवार कह रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मिलेंगे और फिर से मांग करेंगे सीबीआई जांच की, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बार बार मांग क्यों करनी पड़ रही है, अब तक क्यों नहीं सौंपी जा रही सीबीआई को ये जांच? सृष्टि, देखिए, एक जो सीबीआई जांच का एक प्रक्रिया होती है, उसे जांच किस प्रकार से सौंपी जाएगी, जिस राज्य में यह वारदात हुई है वो गोवा है और गोवा की पुलिस अभी इस मामले में कड़ी दर कड़ी जोड़ती जा रही है और उसकी जांच जो है वो मुख्यमंत्री गोवा प्रमोद सावंत की नजर में अभी तक स्मूथ चल रही है और बिल्कुल उसमें एक के बाद एक खुलासे भी हुए हैं और अब जो है वो प्रॉपर्टी एंगल्स जो एक निकलकर सामने आया है, जिस प्रकार की लैंड लीज की जो बात है वो निकलकर सामने आई है और अभी गोवा जो पुलिस की एक टीम है वो हिसार में बनी हुई है और लगातार साक्ष्य जुटा रही है, तो ऐसे में यह पुलिस भी अपनी रिपोर्ट जाकर रखेगी और इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ कनेक्शन निकल कर आता है, क्या कुछ रिपोर्ट जो एक विस्तृत तैयार होगी। और इसी बीच जो 10 दिन का रिमांड का एक पीरियड है सुधीर सांगवान का और सुखविंदर का, और साथ साथ 5 दिन के रिमांड का पीरियड है उन बाकी तीनों लोगों का जो करलीज रिजोर्ट का रेस्टोरेंट का मालिक है। हाँ। और दो जो ड्रग पैडलर है उन दोनों का, तो ऐसे में वो तमाम जो बातें निकलकर उस रिमांड अवधि के दौरान आएगी उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी और उससे कितना उस पर संतुष्ट रहती है गोवा सरकार, और डीजीपी इसको स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं गोवा के। हालांकि हरियाणा सरकार ने भी गुजारिश लगातार की है, कल ओम प्रकाश धनखड़ आए थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे भी हिसार पहुंचे थे सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर और शोक व्यक्त किया था, साथ साथ एक बार फिर उन्होंने भी कहा था इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और वे दोबारा से मांग करेंगे गोवा सरकार से भी, मुख्यमंत्री से भी, और परिजन भी अब एक बार फिर मिलने की बात कह रहे हैं। लगातार ये बातें आ रही है लेकिन निर्णय जो अंतिम है वो गोवा सरकार को लेना है और तमाम तथ्यों को देखकर लेना है कि उनकी पुलिस क्या कर रही है अब तक, और देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की जांच का निर्णय कब आता है, लेकिन हाल फिलहाल यह संभव दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी पीरियड जो है वो जांच का चल रहा है और उसमें विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो उसके बाद पर भी सवाल उठा रहे हैं, गोवा पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि घर तक छान मारी लेकिन कुछ निकला नहीं। सृष्टि, अगर बात यह है कि
परिजन जो है वो अभी शोक संतप्त हैं और उन्हें विश्वास हो भी नहीं रहा, क्योंकि जिसके साथ एकाएक इस प्रकार की दुखद घटना हो जाए तो वो जल्दी से कोई निर्णय ले भी नहीं पाता और उसे लगता है उसे उसको सभी लोग जो संदेह के दायरे में नजर आते हैं उनके लिए हर चीज उन्हें संदिग्ध लगती है, क्योंकि जिसके जो लगातार एक मामला चल रहा है उन्हें लगता है कि जांच पहले जो हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो ऐसे में हमारी मांग पर तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, साक्ष्य खत्म हो गए होंगे, फिर पोस्टमार्टम में भी उस वजह से देरी हुई होगी, पहले क्यों नहीं सुखविंदर और सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी, तमाम सवाल जो उठा रहे हैं। और अब उन्होंने उनका यह कहना है कि जो फार्म हाउस में जांच कर ली गई, 5 घंटे निरंतर जांच की गई, लेकिन कुछ साक्ष्य नजर नहीं आए। साक्ष्य इस प्रकार से नजर नहीं आते, ये पुलिस की एक प्रक्रिया है जांच की, वो कड़ी दर कड़ी जोड़ते जाएंगे, उसके बाद क्या रिपोर्ट तैयार करते हैं वो अपने उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे, जो 2 सदस्यीय गोवा पुलिस आई है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद उस रिपोर्ट को मिलान होगा और उसमें क्या क्या निकल कर आता है वो तमाम बातें देखने वाली बहुत होगी। लेकिन परिजन अभी संतुष्ट नहीं है, देखने वाली बात होगी, ये कल परिजन जो है संभवतः मुख्यमंत्री से दोबारा से मिलेंगे और अपनी दोबारा मांग रखेंगे। दोबारा मुलाकात की बात जो है वो सामने आ रही है। अमित आप बने रहिए।